हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ग्रेट बूस्ट एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में, लास्ट क्लासेस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके देखा था कि हम कैसे, अगर कोई डेबिट नोट अगर हमें इशू करना हो या क्रेडिट नोट इशू करना हो तो हम टैली में उसे कैसे रिकॉर्ड करें। तो ओवरऑल जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे इस प्रैक्टिकल नोट्स में दिया गया था उन सारे ट्रांजेक्शन को हमने कम्प्लीट कर दिया है। तो ओवरऑल अगर अभी तक आपने सारे हमारे वीडियोस को वॉच नहीं किया है, कोई भी अगर ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड करते वक्त हमको वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो जो भी हमने प्रैक्टिकल नोट्स में आपको बैलेंस शीट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया गया है तो वो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन सब जो भी 24-25 वीडियोस हमने अपलोड किया है उन सारे वीडियोस में आपको ओवरऑल टैली का 50-60% का कंसेप्ट वहां पर पूरा क्लियर कर दिया गया है। अब जो रिमेनिंग रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टैली में और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे हम लोग को इन्वेंटरी वाउचर्स को भी यूज करना जाना होगा, हम कैसे एक बैंकिंग मतलब एक बैंकिंग का जितने भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, बैंक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उसे रिकंसल कैसे करते हैं वो हम बैंकिंग जो हेड है उसमें हम सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे, धीरे से धीरे करके जाके सब सीखेंगे। तो देखिए अभी तक जितना भी हमने रिकॉर्ड किया है ट्रांजेक्शन, जितने भी सारे ट्रांजेक्शन ओवरऑल रिकॉर्ड किया है, तो अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो अभी हमारा फिलहाल अभी यहाँ पर अभी लॉस दिखा रहा है। मतलब बैलेंस शीट में तो एग्जैक्टली क्या होता है, उसमें बैलेंस शीट आपका करंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, एक बिजनेस का करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसके लायबिलिटीज कितने हैं, ओवरऑल वो फिगर पूरा आपको रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वेदर द कंपनी इज इन आइदर इन प्रॉफिट और लॉस। तो हमने जो भी रिकॉर्ड किया है अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं, दिस ऑल ट्रांजेक्शन वेयर जस्ट लाइक अ डेमो, ये सारे जो ट्रांजेक्शन थे ये इनवैलिड थे, इसका कुछ डायरेक्ट रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर अभी नेट लॉस दिखा रहा है। बट जब आप कोई कंपनी में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे तो वहां पर जब आप डिटेल्स में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो नो डाउट उसमें प्रॉफिट ही दिखाएगा, लॉस दिखाएगा नहीं। और भी बहुत सारे इनकम्स होते हैं जो शायद हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। तो बस ये जान के रखिए कि जो भी अगर आपको बैलेंस शीट रिपोर्ट चाहिए हो या प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट चाहिए हो तो आप यहाँ से जाके उसे गेन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है, या बैलेंस शीट पर आपके करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, बिजनेस का करंट एसेट्स का वैल्यू टोटल अभी कितना है, फिक्स एसेट्स का वैल्यू कितना है, वो सब आपको यहाँ डिटेल्स में आपको शो कर दिया जाएगा। उसके साथ रहता है स्टॉक समरी, स्टॉक समरी में आपको स्टॉक का पूरा डिटेल दिया जाता है कि आपके पास करेंटली कौन कौन सा आइटम, कितने कितने पीसेस के स्टॉक्स है। जैसे आप देख सकते हैं सीलिंग फिन का टोटल 25 पीसेस ऑफ स्टॉक है, तो ये आपको ग्रुप के हेड में दिखा रहा है, जो हमने 5 डिफरेंट ग्रुप्स बनाया था उसी के हेड में दिखा रहा है। अगर आपको इंडिविजुअल चेक करना है तो आप वहां पर जाके उस पर्टिकुलर ग्रुप के पास जाके एंटर की प्रेस करके आप उसका एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उस ग्रुप में कौन कौन सा आइटम इंक्लूडेड होते हैं वो सब डिटेल्स में आप देख सकते हैं। वरना यहाँ पर भी रह के अगर आप ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं तो आपको पूरा डिटेल यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी डिस्प्ले कर रहा है कि टोटल कितना क्वांटिटी है, उसका रेट दिखा रहा है, ये जो रेट है वो ओवरऑल कैलकुलेट करता है आपके परचेस सेल्स के एवरेज कॉस्ट के ऊपर, मतलब डिराइव करके आपको यहाँ पर जो प्राइस दिखाता है और उसका टोटल वैल्यू भी दिखा देता है कि टोटल आपके यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है। टोटल स्टॉक आपके पास 219 पीस है इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स, जितने भी सारे ग्रुप्स बनाए सारे ग्रुप्स के अगर स्टॉक को इंक्लूड किया जाए तो 219 पीसेस है और उसका जो है वैल्यूएशन है 1,49,408 रुपीज 37 पैसे। तो दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, ये जो वैल्यूएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिख जाएगा। देखिए वो सेम टू सेम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में वो उसका वैल्यूएशन भी डिस्प्ले कर रहा है। तो इसके बारे में हम आगे भी बहुत जानेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर और एक जो मेन इम्पोर्टेंट रहता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हमने अकाउंटिंग वाउचर्स में ओवरऑल कुछ कुछ वाउचर्स कंप्लीट कर दिए हैं, और भी वाउचर्स हैं, मैंने आपको कहा था रिवर्सिंग जर्नल वाउचर है, मेमोज वाउचर है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। और आपका जो नॉर्मल हमने वो जो जितने वाउचर्स है उस सारे वाउचर्स के बारे में हम लोग ठीक से डिटेल में हम जानेंगे। उसके पहले मैं आपको और एक पॉइंट थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि जैसे हम जितने भी वाउचर्स पढ़े, जैसे कॉन्ट्रा हुआ, पेमेंट हुआ, रिसिप्ट हुआ, जर्नल हुआ, सेल्स हुआ, परचेज हुआ, तो इसको अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, इसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं परचेज का दो प्रकार का परचेज वाउचर्स आपके पास हो, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप F9 प्रेस करते हैं तो सिर्फ आपके पास एक ही वाउचर्स आता है जो नॉर्मल वाउचर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होकर रहता है।
देखिए हम लोग परचेज ट्रांजेक्शन जो होता है जीएसटी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग जीएसटी में ट्रांजेक्शन करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज हम लोग जो बेसिकली बोलते हैं, एक होता है इंटर स्टेट और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट INTER इंटर स्टेट परचेज वो परचेज होता है जब हम लोग कोई परचेज आउटसाइड द स्टेट करते हैं। जब आप कोई ट्रांजेक्शन स्पेशली परचेज ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो उसे हम लोग इंटर स्टेट परचेज बोलते हैं। उसका मतलब होता है जो हम लोग आउटसाइड स्टेट करते हैं, और जब आप कोई परचेज ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट बोलते हैं, INTER इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन या फिर इंटरस्टेट परचेज ट्रांजेक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ये लोग क्या, मतलब क्या होता है ना कि हम लोग को टैली में उसी हिसाब से वाउचर्स क्रिएट करना पड़ता है। आपको इनसाइड परचेज के लिए एक अलग वाउचर बनाना पड़ेगा और आउटसाइड परचेज के लिए अलग बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ना आपको वैल्यूएशन में कैलकुलेट करने में ईजी होगा। क्योंकि अगर आप एक कॉमन वाउचर लेते हैं परचेज का तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपका जब मंथ एंड होता है, जब आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे या फिर आप क्वार्टरली भी अगर रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो उस केस में वो आपको पूछेगा कि आपका इनसाइड से इंट्रास्टेट परचेज का वैल्यू कितना है, इंट्रास्टेट का वैल्यू कितना है, तो उस समय आपको मैन्युअली इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फॉर स्किपिंग दैट मेथड, आपको अगर और भी इजी करने के लिए हम क्या करते हैं ना, परचेज वाउचर हो या फिर सेल्स वाउचर, उसको दो स्प्लिट में डिवाइड कर देते हैं। परचेज वाउचर को हम दो स्प्लिट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इनसाइड परचेज और एक होता है आउटसाइड परचेज। आप इंटरस्टेट परचेज भी लिख सकते हैं, इंटरस्टेट भी परचेज लिख सकते हैं, बट उससे थोड़ा सिंपल करने के लिए हम उससे क्या करते हैं ना, दो प्रकार का वाउचर क्रिएट कर देते हैं, एक होता है इनसाइड परचेज और एक आउटसाइड परचेज। इन द सेम केस सेल्स का भी होता है दो टाइप का, बेसिकली दो प्रकार का करते हैं। सेल में इनसाइड आउटसाइड का वैसे कुछ जो है मतलब हम लोग नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली तुम ये कर सकते हो। सेल्स में एक होता है रजिस्टर्ड सेल और एक होता है अनरजिस्टर्ड सेल। रजिस्टर्ड सेल अब मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियोस में बताया था, रजिस्टर्ड सेल किसे किया जाता है या फिर टैक्स इनवॉइस सेल भी उसे हम लोग बोलते हैं, उससे किया जाता है जिसके पास जीएसटी नंबर होता है या फिर वो एक रजिस्टर्ड पार्टी होता है। तो देखिए मैंने जितने भी आपको यहाँ पर डेटर्स का नाम बताए थे या फिर क्रेडिटर्स के नाम बताए थे, सबके सबके पास जीएसटी नंबर था, बट कुछ कुछ ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, वो आपसे कैश में परचेस करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको जो अकाउंट, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रिटेलर हैं या फिर एक होलसेलर भी हैं, तो आपको डे टू डे बहुत सारे कैश ट्रांजेक्शन आएंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा। अब क्या आप एक एक नाम सबका बनाने बैठेंगे? अगर आप एक एक नाम इंडिविजुअल सारे कस्टमर का बनाएंगे तो लेजर अकाउंट्स बहुत लंबे हो जाएंगे, और वैसे भी गवर्नमेंट कभी भी आपको कुछ नहीं मांगता है कि कोई भी एक कस्टमर का डिटेल दो। अगर आपका सेल ट्रांजेक्शन का वैल्यू 50,000 के नीचे होता है, एक बिल का वैल्यू 50,000 से नीचे होता है, तो गवर्नमेंट कभी भी आपको नहीं पूछेगी कि आपको उस कस्टमर का नाम बताइए, उस कस्टमर का एड्रेस बताइए। तो दैट इज ऑप्शनल। अगर सेल इनवॉइस का वैल्यू 50,000 से कम होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्वियसली आपको टैली में भी डिस्प्ले करेगा। जब भी आप एक सेल मतलब वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, देखिए अब जब भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड करते हैं, जब कोई मतलब नॉन कैश सॉरी वो रहता है मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी रहता है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कैश लिखा, यहाँ देखिए यहाँ पर आपको नोट कर दिया गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ कैश सेल और अनरजिस्टर्ड डेलर एक्सीड्स ₹50,000 प्रोवाइड द बायर्स नेम एड्रेस एंड स्टेट नेम। अगर आप किसी को अनरजिस्टर्ड डीलर को या फिर कैश सेल करते हैं जिसका वैल्यू एक बिल का वैल्यू 50,000 से ऊपर होता है, तो उस केस में आपको उसका बायर्स नेम एड्रेस और स्टेट नेम पूरा आपको मेंटेनली रिकॉर्ड करना, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा ना, तो आपको देना पड़ेगा। बट अनलेस एंड अंटिल अगर वैल्यू 50,000 से ऊपर नहीं होता है तो आपको अनरजिस्टर्ड डीलर का या फिर कस्टमर का नाम लिखने का जरूरत कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, सेल वाउचर को दो वाउचर में स्प्लिट कर देते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड सेल और एक होता है अनरजिस्टर्ड सेल। रजिस्टर्ड सेल सिर्फ हम रजिस्टर्ड पर्सन जो रजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं उनको, जिनके पास जीएसटी नंबर होता है उनका जब भी बिल इनवॉइस किया इशू किया जाएगा तो उसे हमको रजिस्टर्ड सेल में रिकॉर्ड करना है, और जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स है उनका सब हमको जो भी बिल इनवॉइस उनको करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, तो उससे हम सबको ही अनरजिस्टर्ड सेल वाउचर में इशू करेंगे। तो देखिए हमने जितने भी अभी परचेज सेल एंट्री किया उसको एक कॉमन वाउचर में हमने रिकॉर्ड कर दिया था, परचेज के लिए परचेज वाउचर, सेल के लिए सेल वाउचर। अब यही सेम एंट्री मैं आपको
इनमें से कुछ सिलेक्टेड कुछ आइटम्स को सॉरी कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज को मैं आपको बोथ रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड में कैसे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे वो भी हम लोग आपको सिखाएंगे। पर उससे पहले हमको ये सीखना होगा कि हाउ डू वी स्प्लिट द वाउचर्स, हम लोग के वाउचर को कैसे स्प्लिट करें, उनको कैसे दो टाइप में हो, थ्री टाइप में हो या फोर टाइप में, डिपेंडिंग अपन या रिक्वायरमेंट कैसे उसे डिवाइड करें। तो दिस प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। आपको बहुत ही ऐसे कम वीडियोस मिलेंगे जहां पर ये पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि हम इस वीडियोस के इस चैनल के थ्रू आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें आपको डिटेलली पूरा सारा चीज आपको हम समझाएंगे, जिससे ओवरऑल आपको 90-95% हम टैली का कवर कर लेंगे, जिससे आप जहां पर भी चाहें जब भी आपका ये अगर फ्यूचर में जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हो या फिर आप किसी को टीचिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं तो आप उसमें भी आराम से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अभी कैसे वाउचर को स्प्लिट करें, उसके लिए आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना पड़ेगा। जैसे हम इन्वेंटरी इन्फो में जाते हैं नीचे एक ऑप्शन और डिस्प्ले किया रहेगा वाउचर टाइप्स, ये वाउचर टाइप्स को एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप जब डिस्प्ले में जाते हैं तो देखिए क्रिएट डिस्प्ले एडिटर के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया क्रिएट का मतलब है क्रिएट कराना, कुछ नया को बनाना। डिस्प्ले का काम है आपको डिस्प्ले करेगा कि कितना वाउचर्स आपको ऑलरेडी बना हुआ है, और अल्टर का काम है अगर आप वाउचर्स में कुछ अल्टरेशंस करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, वाउचर्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, वाउचर में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो आप अल्टर में जाके भी उसमें दे सकते हैं। तो डिस्प्ले में देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ बहुत सारे वाउचर्स बने हुए हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। तो इसमें ओवरऑलली हमने 5-7 वाउचर्स आपको शायद ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और जो रिमेनिंग वाउचर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग आपको सिखाएंगे। तो अभी हम लोग सीखते हैं कि ऐसे एक वाउचर को कैसे स्प्लिट करें। तो ये केस आप कैसे करेंगे, क्रिएट वाउचर में जाइएगा। तो देखिए मैं वापस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, आपको इन्वेंटरी इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप्स में जाना है और क्रिएट करना है। तो यहाँ पर अभी आपको वाउचर का नाम देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, परचेज वाउचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिया था, सॉरी जो प्रैक्टिकल नोट दिया था, उसमें मैंने बहुत सारे पार्टीज से परचेज किया था, सिंट्रोनिक्स से, पावर ग्रिड से, और इवन इफ हम लोग उषा एंड उषा कॉर्पोरेशन से भी हमने परचेज किया था। बट उससे हमने क्या किया था ना, एक कॉमन वाउचर ले लिया था, जिससे ये प्रॉब्लम होगा अगर आपको बोला जाएगा, अभी मैं अगर आपको पूछूंगा कि परचेज ट्रांजेक्शन में जाके आप मुझे बताइए कि आपने इनसाइड परचेज कितना का किया, आउटसाइड परचेज कितना का किया, तो वो वैल्यूएशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ 3-4 ही परचेज एंट्री है तो आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब तो मैंने 20-50 इतने नंबर इनवॉइसेस आएंगे तो उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इनसाइड परचेज नाम का एक वाउचर क्रिएट करते हैं, इनसाइड परचेज वाउचर लिख देते हैं या फिर इनसाइड परचेज लिख सकते हैं, और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एलियस विल रिमेन ब्लैंक, क्योंकि एलियस क्या करते हैं, उसका एक शॉर्टकट नेम क्रिएट कर देता है, जिसके लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है कभी कभी एलियस देने से। क्या होगा ना, उसका एक शॉर्टकट जिसे हम लोग निकनेम भी बोलते हैं, जैसे हम हर इंसान का दो दो नाम होता है, एक तो जो नाम रहता है रजिस्टर और एक होता है निकनेम जो घर में उन्हें बुलाते हैं, तो वैसे ही इनका भी वही है, एलियस में आप निकनेम दे सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। एंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर वो पूछा है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ वाउचर, ये जो इनसाइड परचेस वाउचर आपने क्रिएट किया है ये कौन से वाउचर के अंदर में जाएगा, ये ऑब्वियसली परचेस वाउचर के अंदर जाएगा। एब्रीविएशन, इसका एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट, एब्रीविएशन PURC ऑलरेडी दे दिया गया है, और ये बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने दीजिएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, PUR. लिख सकते हैं, बट परचेज के लिए PURC जो दिया गया है उसे ही रखे रहेगा तो बेटर रहेगा। फिर आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो देखिए जो वाउचर नंबरिंग होता है कैसे होगा, ऑटोमेटिक अगर आप चूज करते हैं तो उसे क्या होगा ना, वो नंबरिंग ऑटोमेटिकली होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिकली होगा। बट अगर आप चाहते हैं मैनुअली करना तब मैनुअली कर सकते हैं। तो ये मैनुअली आप कब यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप अभी फाइनेंशियल ईयर के बीच बीच में आ चुके हैं, समझ लीजिए आपका फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है अप्रैल में, बट आपका आपने क्या किया है ना, आपने अभी टैली यूज करना, आपका बिजनेस चल रहा है अप्रैल से, बट आपका टैली यूज करना आपने दिसंबर से स्टार्ट किया या फिर जुलाई से स्टार्ट किया, तो उस केस में ऑलरेडी आपने बहुत सारे परचेज बिल जो है वो आप रिसीव कर चुके हैं, बट आप नहीं चाहते उन सबको रिकॉर्ड करना, तो उस केस में आप इससे मैनुअल करके अपने मतलब आप मैनुअली नंबर दे सकते हैं कि 25, 26, 27, 28 आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। बट ऑटोमेटिक अगर आप चूज करते हैं उससे क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिकली नंबर सेट करेगा और स्टार्टिंग होगा 1 से या फिर आप जो सेट करेंगे, तो हम उसे ऑटोमेटिक ही चूज कीजिएगा, सबसे बेटर रहता है। यूज्ड एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसे एनेबल कीजिएगा। परचेस केस में ये इतना जरूरत है नहीं, इससे आप नो ही करके रखें तो ही बेटर,
बिकॉज परचेस केस में इसको एनेबल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही रखिए। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, पर वो परचेस केस में इतना मेंटेन इतना यूजफुल नहीं है, इसे आप नो ही करके रखिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इसको आप सेल के वक्त काम में क्या आता है मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद एंटर एंटर प्रेस कीजिए। अलाउ नरेशन इन वाउचर, ये येस ही रहेगा। देखिए जो जो चीजें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट येस है वो येस ही रहने दीजिएगा, वो आपके लिए काम में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे नो कर देते हैं तो इस केस में अगर नरेशन इन वाउचर को नो कर देते हैं तो आपको वाउचर रिकॉर्ड करते वक्त नरेशन ऑप्शन नहीं डिस्प्ले करेगा। फिर एंटर एंटर प्रेस कीजिए। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, आप चाहते हैं कि जैसे मैं इस इनसाइड परचेज में कुछ वाउचर रिकॉर्ड करता हूँ, कुछ बिल रिकॉर्ड करता हूँ तो ऑन द स्पॉट प्रिंट हो जाए, तो ये परचेज के वक्त डिजेबल होता है, इसे नो ही करिएगा। क्योंकि ना परचेज का बिल हमें प्रिंट करने का जरूरत नहीं होता है, बिना परचेज का बिल ऑलरेडी हमारे पास रहता है, हमें सेल प्रिंट सेल बिल जो होता है सेल इनवॉइस होता है उसे प्रिंट करना होता है, तो इसे यहाँ पर आप नो ही करके रखिए। एंटर। ये नेम ऑफ द क्लास जो रहता है ये मैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियोस में आपको पूरा अच्छी तरह से एलाबोरेट करूंगा, क्योंकि ये बहुत एक पूरा लंबा वीडियोस ले लेगा, तो मैं इसको आपको और कोई वीडियोस में समझा दूंगा, बट अभी तक मैं जितना समझा रहा हूँ आप में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग कैसे एक परचेज वाउचर को स्प्लिट करते हैं। इनसाइड परचेज मैंने यहाँ क्रिएट किया, उसको वाउचर जो सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर परचेज ही रहेगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रहेगा, और उसके बाद हमको और कुछ नहीं चेंजेस करना है, उसको बस एंटर एंटर करके सेव करना है। सेम टू सेम आपको आउटसाइड परचेज भी क्रिएट कर दीजिए। आउटसाइड परचेज ये भी परचेज के अंदर ही जाएगा, मेथड ऑफ वाउचर ऑटोमेटिक, और कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है, इसे सेव कर दीजिएगा। तो देखिए हमने कैसे अभी यहाँ पर वाउचर क्रिएट किया, तो देखिए यहाँ पर इनसाइड परचेज और आउटसाइड परचेज एक नया आ गया है, ये पहले नहीं था। देखिए जैसे यहाँ पर रजिस्टर्ड सेल अनरजिस्टर्ड सेल नहीं है, कॉमन सेल है, तो देखिए अब उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड सेल लिया है, रजिस्टर्ड सेल। तो देखिए कभी कभी हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं आउटसाइड स्टेट भी होता है, आपके मन में ये डाउट होगा कि जैसे हमने परचेज का इनसाइड परचेज आउटसाइड परचेज किया, तो क्या हम लोग सेल का भी इनसाइड सेल आउटसाइड सेल कर सकते हैं? या ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, अलग अलग हेड बनाना पड़ेगा। समझ लीजिए अगर आपको रजिस्टर्ड सेल इनसाइड भी करते हैं और रजिस्टर्ड सेल आउटसाइड भी करते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर एक ब्रैकेट में आप यहाँ पर इनसाइड स्टेट लिख दीजिएगा, जो आपके लिए बेटर रहेगा। पर ये बहुत रेयर केस में होता है कि रजिस्टर्ड सेल हम लोग आउटसाइड भी सेल करते हैं। अगर आपका होता है तो आप उसके लिए चार डिफरेंट सेल्स लेजर अकाउंट ऑफ सेल्स वाउचर आपको बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे होंगे हो, मतलब रजिस्टर्ड सेल एक इनसाइड स्टेट भी होगा, रजिस्टर्ड सेल एक आउटसाइड स्टेट भी होगा, वैसे अनरजिस्टर्ड सेल इनसाइड स्टेट आउटसाइड इनसाइड स्टेट भी होगा और अनरजिस्टर्ड सेल आउटसाइड स्टेट भी होगा। अगर आपका दोनों स्टेट में सॉरी आउटसाइड स्टेट और इनसाइड स्टेट भी आपका ट्रांजेक्शन हो, तो मेरे हिसाब से मेरे प्रेफरेंस में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका इनसाइड और आउटसाइड दोनों सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको सेपरेट सेपरेट वाउचर्स क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब सेल के लिए आपको फोर डिफरेंट वाउचर्स बनाने पड़ेंगे, मतलब इनसाइड के लिए दो और आउटसाइड के लिए दो, और वरना हम एक ही करके आपको सिखाते हैं, और वैसे और सब वही सेम प्रोसीजर होता है, बस आपको एडिशनली यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। एलियास विल रिमेन ब्लैंक। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, तो देखिए ये जाएगा सेल में, क्योंकि हम ये सेल के लिए बना रहे हैं तो सेल्स में जाएगा। एब्रीविएशन सेल बाय डिफॉल्ट है। मेथड वाउचिंग नंबर ये ऑटोमेटिक रहेगा। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हमें यस करना है, क्योंकि ना यहाँ हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो उसमें हमको ऊपर जो भी है उसको कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग नंबर राइट, हाँ स्टार्टिंग नंबर अगर आप चाहते हैं, जैसे समझ लीजिए मैंने आपको जो बोला था कि आपका जो बिल है सॉरी आपका जो बिजनेस है काफी सालों से चल रहा है, बट आप टैली से ऑपरेट करना जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए अभी जैसे अगस्त चल रहा है, अगस्त आप स्टार्ट करना चाहते हैं टैली में, और उसके पहले जितने भी आप सब इनवॉइस रिकॉर्ड किए हैं वो मैनुअली किए हैं, आपका मैनुअल बिल होता है। तो समझ लीजिए अभी जुलाई लास्ट तक आपका लास्ट सीरियल नंबर था 50, अब आप चाहते हैं 51 से स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर वो 51 मेंशन कर दीजिए। तो मतलब स्टार्टिंग नंबर क्या रहना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर जो सेल नंबर क्या रहना चाहिए, 51 रहना चाहिए कि 1 रहना चाहिए? बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं मेरा ऑलरेडी कुछ मैंने 7 to 8 months कंप्लीट हो गया एक फाइनेंशियल ईयर का और 3-4 महीना बचा है, अब मैं और स्टार्टिंग से रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ 250 जो लास्ट सीरियल नंबर होगा वो आप दे सकते हैं, या फिर जो बाय डिफॉल्ट 1 होगा वही चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है रिस्टार्ट नंबरिंग। जो रिस्टार्ट नंबरिंग होता है ये हमेशा आप याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, इट्स वेरीज फ्रॉम कंपनीज टू कंपनीज। कुछ कुछ कंपनीज होते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर उनका सीरियल नंबर फिर रिस्टार्ट होता है 1 से। समझ लीजिए आपका 2019 ऑफ अप्रैल में आपका बिजनेस आपका जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ,
तब आपका सीरियल नंबर 1 था और 2020 मार्च 31st को, मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद आपका लास्ट सीरियल नंबर है 250। तो जब अप्रैल 1 फिर नया साल जब आएगा तो वो फिर वापस 1 से आरंभ स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं नहीं वो हमेशा वो एक 251 252 253 कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर इसे डिएक्टिवेट करके आप वहां पर आप लिख दीजिएगा स्टार्टिंग, यहाँ पर ये इसको इनएक्टिव कर दीजिएगा, समझ पाए। अगर आप चाहते हैं नहीं हर साल एक्टिवेट हो, हर साल ये नया से नया नंबर स्टार्ट हो, तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा कि नया साल कब चलेगा। जैसे अभी हम 2019-20 में है तो 2020 से 20 के बाद ये फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर पीरियडिसिटी दिया है, पीरियडिसिटी ये मतलब हर साल में चेंज होगा। कुछ कुछ कंपनीज होते हैं जिन लोगों का काम है मंथली मंथली बिल चेंज हो जाता है, मतलब पहले 1 से शुरू होगा फिर वापस जैसे मंथ एंड होता है फिर वापस 1 से शुरू होता है। तो ये पीरियडिसिटी डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे चूज कर सकते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे शायद कि एप्लीकेबल ये जो रिस्टार्ट नंबरिंग का कंसेप्ट है ये क्या है। इसका कंसेप्ट का काम है कि ये आपका नंबर जो आपका इनवॉइस का नंबरिंग है वो रिस्टार्ट कब करेगा, मतलब वापस स्टार्टिंग 1 से कब करेगा ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए ईयर, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा रिस्टार्ट हो ही ना, तो आप इसको एस्केप प्रेस करके इरेज करके आगे जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं रिस्टार्ट हो तो इसलिए हमने इसको एक्टिवेट किया। प्रीफिक्स डिटेल, इन प्रीफिक्स डिटेल कॉलम में क्या होते हैं ना, जैसे अभी कभी कुछ कस्टमर्स सॉरी कुछ कुछ कंपनीज होते हैं जो अपने इनवॉइस के नंबर के पहले अपना फार्म का नाम शॉर्टली लिखते हैं। जैसे देखिए हमारा फार्म का नाम है कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं चाहता हूँ मेरे इनवॉइस के पहले KSP/ लिखा हुआ आए, मतलब इनवॉइस नंबर जो भी रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर आएगा, बट उसके पहले क्या आएगा KSP/ आएगा। अगर आप चाहते हैं उसे लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो उसे आप स्किप करके जा सकते हैं। सफिक्स डिटेल मतलब इनवॉइस नंबर के बाद, तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी सारे कंपनीज वो क्या होते हैं ना फाइनेंशियल ईयर दे देते हैं, जिससे क्या होता है ना आपको ये कैलकुलेट करने में इजी होगा या फिर आपको ये जानने में इजी होगा कि ये बिल कौन से फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। जैसे समझ लीजिए आपने एक हमने कहा था ना कि हर साल में आपका रिन्यू होता है, समझ लीजिए 25 नंबर ऑफ सेल बिल है, 25 नंबर का एक इनवॉइस है सेल इनवॉइस, उसको आपने कब जनरेट किया था वो अभी आपको याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप फाइनेंशियल सॉरी इनवॉइस नंबर में लास्ट में फाइनेंशियल ईयर इनपुट कर देते हैं तो क्या होगा ना, आपका बिल नंबर देखिए कुछ इस हिसाब से आएगा, पहले KSP लिखा रहेगा स्लैश आएगा, फिर जो इनवॉइस का नंबर रहेगा 1, 2, 3, 4 जो भी रहेगा, फिर उसके बाद स्लैश आके 2019-20 रहेगा। मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप अगर प्रीफिक्स डिटेल या फिर सफिक्स डिटेल देना चाहते हैं, प्रीफिक्स मतलब बिफोर एंड सफिक्स मतलब आफ्टर, तो आप यहाँ पर जाके दे सकते हैं। उसके बाद कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग ये आप एनाबल कर सकते भी हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट परचेस केस में इसको हमेशा डिसेबल करके रखिएगा, बट यहाँ पर आप इसे एनाबल कर सकते हैं। मतलब जैसे ही मैं कोई एक इनवॉइस जनरेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए मुझे, और प्रिंट करने के लिए ऑप्शन कुछ ना प्रेस करना पड़े, क्यों ना कुछ लोग जो होते हैं रेगुलरली बिल इश्यू करते हैं तो उनको फिर प्रिंट का शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है। टेलीमेस प्रिंट का शॉर्टकट के लिए है Alt+P, उसका शॉर्टकट है, तो Alt+P प्रेस करने के बाद ही वो प्रिंट होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि बार बार क्यों प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करूं, यहाँ पर इसे एनेबल कर देता हूँ, जिससे क्या होगा ना वो ऑटोमेटिकली प्रिंट ले लेगा हमें और इसको यस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट यहाँ पर रहता है कि आपके जो बिल के इनवॉइस के हेडिंग में क्या लिख के आएगा, बिल के हेडिंग में लिख के आएगा टैक्स इनवॉइस। आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, टैक्स इनवॉइस लिख सकते हैं, रिटेल इनवॉइस लिख सकते हैं, बट ये रजिस्टर्ड सेल है इसलिए इसमें टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ रहता है। फिर एंटर। फिर आप डिफॉल्ट बैंक, आपका कौन सा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। डिफॉल्ट ज्यूरिसडिक्शन मतलब आपका जो है कौन सा सिटी में या फिर कौन सा टाउन में आपका जो बिजनेस है, तो जैसे मैं यहाँ भद्रक दे देता हूँ, तो ये हमारा भद्रक में है तो हम भद्रक दे देते हैं। सेट और अल्टर डिक्लेरेशन इसे एनेबल कर दीजिए। इसमें क्या होगा ना, जैसे आप एनेबल करते हैं बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन एक प्रिंट जो रिकॉर्ड होके रहता है, ये टैली में रिकॉर्ड होके रहता है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज दैट एक्चुअल प्राइस, जो भी डिटेल्स लिखा रहता है ये आपके नीचे बॉटम ऑफ द इनवॉइस प्रिंट होके आता है। अगर आप चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने के लिए कि उसमें भी आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे एंटर करके सेव कर सकते हैं। फिर एंटर। एंटर सेम केस में आपको अनरजिस्टर्ड सेल लिखना है, अनरजिस्टर्ड सेल ये जाएगा सेल वाउचर में, मेथड ऑटोमेटिक यहाँ यस दीजिए। अगर आप चाहते हैं प्रीफिक्स कुछ देने के लिए, मैं चाहता हूँ यहाँ प्रीफिक्स वही KSP दूं, बट यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ ना KSP UN लिख देता हूँ, जिससे हमने को पता चल जाएगा कि अनरजिस्टर्ड बिल है।
जैसे हमने रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा, बट आप चाहें तो यहाँ पर केएसपी ब्रैकेट यूएल लिख सकते हैं, तो जिससे, वरना आप केएसपी भी डायरेक्ट लिख दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सफिक्स डिफरेंस में भी आप वो स्लैश देके 2019 प्रिंट लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंटर, आप इसे सब सेव कर दीजिए। प्रिंट वॉच आफ्टर सेविंग, इसे येस कर दीजिएगा। यहाँ पर डिफॉल्ट टाइटल यही रख दीजिएगा, डिटेल इनवॉइस, क्योंकि ना ये अनरजिस्टर्ड को आप सेल कर रहे हैं, तो ये डिटेल इनवॉइस कीजिएगा। टैक्स इनवॉइस कौन सा होता है, जब आप रजिस्टर्ड डीलर को बेचते हैं, और डिटेल इनवॉइस जब आप अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं। देखिए मैं वही सब सेटिंग्स को एनेबल कर रहा हूँ, इसमें अगर आप कुछ डाउट है थोड़ा बैक करके चेक कर लीजिएगा। तो देखिए हम डिस्प्ले में जाते हैं, तो देखिए हमने 4 डिफरेंट वाउचर्स क्रिएट किए हैं, एक इनसाइड परचेज, आउटसाइड परचेज, और एक रजिस्टर्ड सेल और एक अनरजिस्टर्ड सेल। अब देखिए क्या चेंजेस होता है, हम जब अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं, सेल्स वाउचर को ओपन करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ता था, F8। तो देखिए F8 जैसे ही हम प्रेस करते हैं, यहाँ पर वो हमें पूछ रहा है कि हमें कौन सा वाउचर चूज करना है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। अगर हमको रजिस्टर सेल करना है तो रजिस्टर चूज करना है, या फिर अनरजिस्टर्ड तो अनरजिस्टर्ड। तो हम रजिस्टर सेल जैसे ही ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको देखिए इनवॉइस नंबर क्या आ रहा है, KSP लिखा हुआ आ रहा है, /1/2019-20। तो KSP वह हमने जो प्रीफिक्स डिटेल दिया था, 2019-20 जो सफिक्स डिटेल दिया था, और ये रहा सीरियल नंबर, तो जो वन से शुरू हो रहा है। रेफरेंस नंबर आप ब्लैंक रखिए। उसके बाद हम जैसे सेल रिकॉर्ड करते हैं, प्रोसीजर सेम है, प्रोसीजर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। हमने जैसे ये सारे के सारे जो इनवॉइस रिकॉर्ड किया था, जो जैसे हमारे जो सेल का था, इको इंडस्ट्री को जो हमने सेल किया था, महावीर कॉर्पोरेशन को सेल किया था, ये सारे के सारे जो है रजिस्टर्ड पार्टी है, क्योंकि इन सबका GST नंबर है, तो ये सेम टू सेम उसी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाह, तो आप रिकॉर्ड करके ट्राई कीजिए, अगर आपको रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारा आपका व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, हमारा मेल आईडी भी आपके पास है, आपका कुछ भी डाउट्स या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए अगर सेम केस हम परचेज में भी देखते हैं, F9 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर भी वही सेम ऑप्शन आता है, इनसाइड परचेज और आउटसाइड परचेज। तो यहाँ जैसे परचेज रिकॉर्ड करते थे, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया ना, अगर आपका जितने भी इनसाइड ट्रांजेक्शन्स हैं तो आपको इनसाइड में रिकॉर्ड करना है और आउटसाइड का आउटसाइड में, जिससे क्या होगा ना आपका परचेज स्प्लिट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं अब डिस्प्ले में जब जाता हूँ, मैंने आपको बताया भी था या फिर अगर नहीं बताया तो आप बता देता हूँ। देखिए अगर हमको सारे परचेज ट्रांजेक्शन देखने हैं, सारे सेल ट्रांजेक्शन देखने हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में, फिर यहाँ पर हम परचेज रजिस्टर या सेल रजिस्टर में जाके हम लोग पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल मंथ्स का परचेज या सेल ट्रांजेक्शन को व्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परचेज अब सारे के सारे परचेज में दिखा रहे हैं। देखिए पावर ग्रिड कहाँ का कंपनी है, इंडिया, सॉरी उड़ीसा का है, सिंट्रोनिक्स राजस्थान का है, मतलब आउटसाइड स्टेट, और उषा उषा उड़ीसा का, मतलब इसमें से तीन में से दो है इनसाइड स्टेट और एक है आउटसाइड स्टेट। तो यहाँ पर देखिए अब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा कि कौन सा इनसाइड का है कौन सा आउटसाइड का है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा ना, दो वाउचर्स अलग अलग बनाने पड़े, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो स्टूडेंट होप आप सब समझ पाए हैं कि हम लोग वाउचर्स को कैसे स्प्लिट करते हैं। सेम स्प्लिट आप यहाँ पर पेमेंट का भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने देखिए बहुत सारे वाउचर्स को भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कंपनीज के रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे देखिए आप पेमेंट में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक तो होता है कैश पेमेंट और एक होता है चेक में, अगर आप कुछ पेमेंट देते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि कैश का पेमेंट के लिए आप अलग वाउचर बनाना चाहते हैं, और चेक का पेमेंट अगर आप किसी को चेक से पे करें तो उसका पेमेंट का अलग वाउचर बनाना चाहते हैं, तो सेम प्रोसीजर है। आप क्रिएट में जाइएगा, यहाँ पर कैश पेमेंट लिख के एक वाउचर लिखिएगा, इसे पेमेंट में रिकॉर्ड कीजिएगा, मेथड ऑफ वाउचर नंबर ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आप कुछ देने का जरूरत नहीं है। आप तो जान गए हैं कि एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। एंटर एंटर। वैसे सेम टू सेम चेक पेमेंट, अगर आप किसी को चेक के थ्रू से पे कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि चेक पेमेंट का कैश पेमेंट का अलग अलग वाउचर्स होना चाहिए, तो आप उसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जब भी आप पेमेंट वाउचर्स को ओपन करेंगे F5 प्रेस करके, तो यहाँ पर वो आपको पूछेगा कैश पेमेंट या चेक। तो दिस वॉज द थॉरो डिटेल्स ऑफ वाउचर टाइप्स इन द टैली। तो इसके वही सेम प्रोसीजर में आपको कोई भी वाउचर्स, हमने जितने भी वाउचर्स आपको पढ़ाए थे, जनरल वाउचर, रिसीड वाउचर, उसको भी आप चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। बट आप ये जान के रखिए कि हम लोग कैसे एक वाउचर्स को स्प्लिट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में, जिसमें हम आपको और भी एक्सप्लेनेशन देंगे।
आपको जैसे कैश सेल कैसे करते हैं जो मैं आपको बताया था, आप रजिस्टर्ड सेल आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी सारे जो यहाँ पर इनवॉइस दिया गया था, मैं जो भी सॉरी एग्जांपल्स दिया गया था जो सेल के रिलेटेड, उन सबको आप क्या कीजिएगा ना, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके रजिस्टर्ड सेल में आप रिकॉर्ड करके देखिएगा कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम टू सेम केस में परचेस का भी जितने इनवॉइस है आप इनसाइड को सेपरेट कीजिएगा, आउटसाइड को सेपरेट कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। मैं फिर भी इन सारे इनवॉइस को रिकॉर्ड करके आपको डिफरेंस क्या आता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो टिल देन स्टे ट्यून, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स थैंक्स ऑल ऑफ यू।